हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इज इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हूं, और इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश ओलंपियाड यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड जो कि SOF के द्वारा होती है उसका क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं। और जैसा कि आपको पता है कि आपकी इंग्लिश ओलंपियाड की एग्जामिनेशन 4 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 23 अक्टूबर में से कोई एक दिन होगी जो आपका स्कूल सेलेक्ट करेगा, तो उसके लिए मैं ये पेपर लेके आया हूँ जो कि 6th इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड का है। अभी आपका 9th होने वाला है। पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो एक आइडिया दे दूंगा आपको मैं इस क्वेश्चन पेपर से कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। तो देखो, इसमें जो पेपर है टोटली वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज, रीडिंग, स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन और अचीवर सेक्शन पर है। अचीवर सेक्शन 3-3 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चंस होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए पेपर देखना हम स्टार्ट करते हैं। 7th क्लास का पेपर है, आप देख सकते हो, इंग्लिश ओलंपियाड का। तो चलिए फ्रेंड्स, देखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पहला पेज है वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज से, जिसमें पहला क्वेश्चन इसके साथ जो ग्रीन कलर से जो टिक लगा है वो इसका आंसर है। राइट आंसर 1 का B, 2 का C, 3 का D, 4 क्वेश्चन नंबर 4 का D, 5 का D। उसके बाद आते हैं हम लोग 6 का C, 7 का C, 8 का D, 9 का B D, 10 का A, 11 का A, 12 का C। देखो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 13 का A, 14 का C, 15 का A, 16 जिसका आंसर है D, 17 का C, 18 का D, 19 का B, 20 का C, 21 का A। रीडिंग सेक्शन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 to 28 है रीडिंग सेक्शन का। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर रीडिंग सेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 जिसका आंसर सी है। देखो ऊपर पैसेज आप देख सकते हो, वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो। 22 का C, 23 का D, 24 का B, 25 का A, 26 का B, 27 का A, 28 का D। उसके बाद 29 to 35 ये अगला पैसेज है, आप पढ़ सकते हो इसको। देखो ये पूरा पैसेज है, इस पर 29 to 35 क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ से फिर है पैसेज और यहाँ पर आकर एंड हो जाता नीचे, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन है 29, 30, 31, 32। देखो राइट आंसर सारे लगे हुए हैं, आप पेन से देख सकते हो। 30 का D, 31 का C, 32 का B, 33 का A, 34 का D, 35 का C राइट आंसर्स लगे हुए हैं, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप सॉल्व कर फिर आंसर्स भी मैच कर सकते हो। 36 का B, 37 का A, 38 का D और 39 यहाँ पर C, 40 का C, 41 का B, 42 का A और 43 का A, 44 का A, 45 का D। फिर अचीवर सेक्शन जो 3-3 मार्क्स का है, इसमें 46 का B, 47 का B, 48 का A, 49 का C और 50 का A। तो इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ये अचीवर सेक्शन में एक करेक्ट करते हो आप तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इस पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आपने NSO का पेपर नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको भी जाकर देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।